ज्योतिष विद्या का लाभ लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट पहुंचे आप तक नमस्कार आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ उपस्थित हुआ हूँ धनु राशि का मासिक राशि फल जनवरी सन 2022 को लेकर के क्या विशेष ग्रह गोचर व्यवस्था रहेगी राशि के जातकों की इस जनवरी के माह में नव वर्ष का प्रथम माह क्या विशेष देगा संपूर्ण ग्रह व्यवस्था का हम विश्लेषण करेंगे राशि के जातकों की बात करेंगे राशि के जातकों के स्वास्थ्य की कारोबार व व्यवसाय की क्या क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं इस जनवरी के माह में और आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी इस पर भी हम एक दृष्टि डालेंगे साथ ही बताएंगे धनुराशि के जातकों को जनवरी माह की उन चुनिंदा तिथियों को जिन तिथियों में आप अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे और ऐसी तिथियों को भी बताएंगे जिनमें आपको सतर्क सावधान रहना चाहिए तो आइए प्रारंभ करते हैं मैं यह राशि फल प्रारंभ करूं से पूर्व आपको यह बता दूं यह राशि फल चंद्र कुंडली के माध्यम से तैयार किया गया है अर्थात इस राशि फल को लग्न कुंडली से न देखें यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा नौ अंक जहां पर लिखा है वहां पर स्थित है तो निश्चित ही आपकी धनु राशि बनेगी और यह राशि फल आपके लिए है आये प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम एक दृष्टि डालते हैं धनु राशि के जातकों की ग्रह गोचर व्यवस्था पर संपूर्ण जनवरी माह में कैसी ग्रह गोचर व्यवस्था आपकी रहने वाली है तो धनु राशि का स्वामी जो की देवगुरु बृहस्पति हैं कुंभ राशि में पराक्रम भाव में स्थित रहेंगे तृतीय भाव में वही बुद्ध और शनिदेव मकर राशि द्वितीय भाव धन भाव में स्थित रहेंगे तो शुक्र और सूर्य धनुराशिस्त लग्न स्थान पर रहेंगे जबकि मंगल और केतु की युति वृश्चिक राशिस्त बारवें भाव में बन रही है राहु वृषभ राशि स्थित आपके लिए छठे भाव में स्थित रहेंगे रोग रिपु ऋण के स्थान पर और चंद्रमा की बात हम बाद में करेंगे सर्वप्रथम आपको बता दें चौदह जनवरी सन दो सूर्य देव का राशि परिवर्तन लग्न को छोड़कर के सूर्य द्वितीय भाव धन भाव में जाएंगे शनि और बुद्ध के साथ युति बनाने का कार्य करेंगे तीन ग्रहों की युति आपके लिए मकर राशि द्वितीय भाव में बनेगी सूर्य के आते ही यहां पर बुद्ध देव वक्र स्थिति में संचरण करने लगेंगे तो वक्री होकर के संचरण करेंगे मकर राशि में ही रहेंगे स्थित लेकिन वक्र गति से संचरण करेंगे 16 जनवरी सन दो हजार बाईस का राशि परिवर्तन और मंगल जो कि वे भाव में स्थित है वह अब धनु राशि में आएंगे लग्न स्थान पर स्थित होंगे वृश्चिक को छोड़कर के धनु में प्रवेश करेंगे लग्न में शुक्र के साथ युति बनाने का कार्य करेंगे उनतीस जनवरी को शुक्र देव जो कि वक्र स्थिति में संचरण कर रहे थे वह अब मार्गी होकर के संचरण करेंगे और लग्न स्थान पर ही स्थित होंगे तो यह तो संपूर्ण ग्रह गोचर व्यवस्था धनु राशि के जातकों की इस जनवरी माह की अब इस ग्रह गोचर व्यवस्था के भी सर्वप्रथम एक दृष्टि डालते हैं धनुराशि के जातकों के स्वास्थ्य पर तो स्वास्थ्य के दृष्टिगोचर से देखा जाए तो धनुराशि के जातकों को सतर्क सावधान अवश्य रहना चाहिए मंगल देव भाव में स्थित हैं बारहवें भाव में और राहु छठे भाव में स्थित हैं तो निश्चित ही ऐसी स्थिति में शारीरिक कष्ट पीड़ा तो कम होती है लेकिन मानसिक रूप से अशांति रहती है और कहीं ना कहीं मानसिक उत्पीड़न ज्यादा होता है व्यक्ति किसी भी प्रकार से कार्य क्षेत्र में हो या कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति उसकी अवश्य होती है जब वह दुविधा में फंसने का कार्य करता है तो निश्चित ही मानसिक रूप से कमजोर आप इस जनवरी के माह में रह सकते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए वह शारीरिक और मानसिक रूप से शक्ति पाने के लिए भगवान सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाइए प्रतिदिन और साथ ही गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति का पूजन और मंगलवार को श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिएगा निश्चित ही स्वास्थ्य में आपको लाभ देखने को अवश्य मिलेगा बात कारोबार की करें तो कार्य क्षेत्र के स्वामी बुद्ध देव आपके लिए बनते हैं और जो कि द्वितीय भाव मकर राशि में स्थित हैं और कार्यस्थान पर कोई भी ग्रह स्थित नहीं है जबकि सूर्य देव लग्न में ही स्थित है ऐसी स्थिति में अच्छे योग बनते हैं कार्य क्षेत्र में व कर्म स्थान पर जब तक सूर्य देव स्थित है निश्चित ही अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे प्रथम दो सप्ताह जो जातक सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं अथवा जो जुड़ने जा रहे हैं प्रयास कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है साथ ही सरकार के माध्यम से कुछ ना कुछ लाभ आपको अवश्य मिलेगा मान सम्मान की स्थिति कार्य क्षेत्र में बनी हुई है दो सप्ताह में संघर्ष अत्यधिक हो सकता है अंतिम दो सप्ताहों में और आपको परिश्रम की ज़्यादा जरूरत पड़ सकती है देवगुरु बृहस्पति पराक्रम स्थान पर स्थित है तो निश्चित ही आप अपना पराक्रम अपने कार्य क्षेत्र में अवश्य दिखाएंगे और आत्मविश्वास भी भरपूर रूप से आपके साथ होगा तो निश्चित ही अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे जो भी जातक धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं, जो जातक अध्ययन से संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं उन जातकों के लिए अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है बात आर्थिक स्थिति की करें तो आर्थिक स्थिति के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं जो कि धनुराशि में ही स्थित हैं संपूर्ण जनवरी के महावक्र स्थिति में रहेंगे इसलिए आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है व्यय अत्यधिक हो सकता है धनुराशि के जातकों को कहीं ना कहीं आय से अधिक व्यय होगा आप अपने भौतिक सुख सुविधाओं पर अनावश्यक खर्च कर डालेंगे इसलिए विशेष खर्च करने से बचें अनावश्यक खर्च करने से बचें और व्यर्थ की यात्राओं को करने से आपको बचना चाहिए एक और बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कार्य क्षेत्र में सोलह तारीख के पश्चात मंगलदेव लग्न में आएंगे तो ऐसी स्थिति में जल्दबाजी करने से बचें अपने कार्य क्षेत्र में व्यवसायिक क्षेत्र में क्रोध करने से बचें और चिड़चिड़े होने से आपको बचना चाहिए अब बात करते हैं चंद्रमा की तो मित्रों चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह है चंद्रमा दो से सवा दो दिन के भीतर ही अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ होता है तो उनमें अत्यंत शुभता होती है लेकिन वही चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ होता है छः आठ बारह भाव में होता है तो कहीं ना कहीं हमें नकारात्मकता देने का कार्य करता है और फलस्वरूप एक माह के भीतर छः से आठ दिवस हम सबके जीवन में आपके हों या हमारे ऐसे अवश्य देखने को मिलेंगे जब हमें मानसिक अशांति अज्ञात है किसी न किसी प्रकार की चिंता शारीरिक कष्ट कलह क्लेश का वातावरण घर हो या ऑफिस कहीं ना कहीं हम जरूर पीड़ित होते हैं तो कौन सी जनवरी माह की ऐसी तारीखें होंगी यह हम आपको बताएंगे लेकिन उससे पूर्व बताएंगे आपको शुभ तिथियाँ तो धनुराशि के जातकों के लिए जनवरी माह में एक दो पाँच छः आठ नौ बीस इक्कीस बाईस तेईस अट्ठाईस और उनतीस जनवरी विशेष रूप से आपके लिए शुभ तिथियां रहेंगी इन तिथियों में अच्छा लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे तो वहीं तीन चार तेरह चौदह अठारह उन्नीस छब्बीस सत्ताईस तीस और इकतीस जनवरी धनु राशि के जातकों को विशेष रूप से सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती है इन तिथियों में व्यवसाय से संबंधित व स्वास्थ्य से संबंधित विशेष रूप से कष्ट आपको मिल सकता है शेष तिथियां मिश्रित फलदायी रहेंगी आपका जीवन मंगलमय हो जनवरी का माह आपके लिए लाभदायक माह हो यही हम मंगल कामनाएं करते हैं नमस्कार जानकारी अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा साथ ही आप सभी धनुराशि के जातकों को आने वाले आंग्ल नववर्ष सन दो हजार बाईस की हार्दिक शुभकामनाएं परम पिता परमात्मा आपको यश आयु कीर्ति प्रदान करें आप चतुर्मुख उन्नति प्राप्त करें यही हम मंगल कामनाएं करते हैं संपूर्ण वार्षिक राशि फल जानने के लिए व विशेष वर्ष कुंडली बनाने के लिए नई जन्म पत्रिका बनवाने के लिए व पूजा पाठ के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं